आज हमारा लेक्चर है जो कि न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। और इसमें किस चीज की स्टडी की जाती है? तो आज हम उसको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो वर्ड की मीनिंग होती है चार्ज, स्टैटिक की मीनिंग होती है रेस्ट। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी करें उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, हमको सिखा रहा है। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट के बारे में पढ़ें, यानी कि अगर एक चार्ज ये पढ़िए एक ये पढ़िए, इन दोनों के बीच में फोर्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जब ये रेस्ट में होती तो क्या करती है, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी करें। तो सबसे पहले पहले हम चार्ज को डिफाइन करें तो फिर उनकी हम सारी स्टडी करेंगे। तो चार्ज को आज हम डिफाइन करेंगे कि चार्ज क्या होती है। सबसे पहले पहले अगर आपसे कोई पूछे चार्ज को डिस्कवर किसने किया था, ऐसे कह सकते हैं कि डिस्कवर या इस चार्ज का फाउंडर कौन था? भूपेंद्र जोगी। सबसे पहले पहले चार्ज का जो फाउंडर था बेटा वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बेटा एक साइंटिस्ट है, इसने चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई कहे चार्ज का फादर किसे कहा जाता है, चार्ज पर सबसे ज्यादा काम करने वाला जो बेटा साइंटिस्ट था वो था माइकल फराडे। तो इसीलिए हम इसको चार्ज का फादर कहते हैं। बहुत सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए, ये आइंस्टाइन का फेवरेट साइंटिस्ट था, इस बंदे की पिक्चर आइंस्टाइन अपने रूम में लगा दी थी। क्या बात कर रहे, ठीक है। तो चार्ज की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? बेटा बेसिक सी बात, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम के अंदर इक्वल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा एटम के पास इक्वल होते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होती। जब बेटा ये एटम कोई इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो फिर बेटा इस पर क्या आ जाती है? चार्ज आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, चार्ज कब आती है? कोई पूछे चार्ज की डेफिनेशन बताओ तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन एटम लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं? फिर उस एटम पर क्या आ जाएगी? चार्ज आ जाएगी। व्हेन एटम लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन इट कैरीज चार्ज, उस पर चार्ज आ जाएगी। तो चार्ज की बेसिक डेफिनेशन ये भी आप कह सकते हैं। जब बेटा एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद अनबैलेंस हो जाती है तो फिर उस एटम पर क्या आ जाती है? मैंने क्या बोला? उस पर क्या आ जाती है? चार्ज आ जाती है। ठीक है, अभी एक होती है नेगेटिव चार्ज। चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज होती है और बेटा दूसरी होती है पॉजिटिव चार्ज। तो दो टाइप की चार्ज होती है, एक नेगेटिव चार्ज एक होती है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बेटा तब आती है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करेगा, तो उस पर क्या आएगी? एटम जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आती है। जब कोई एटम बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बेटा उस पर कौन सी चार्ज आ जाएगी? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी एटम में। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रेटर होते हैं किससे? प्रोटॉन से। ये सिंपल है, ग्रेटर की इलेक्ट्रॉन की तादाद ग्रेटर हो जाए जब प्रोटॉन से तो कौन सी चार्ज आती है? नेगेटिव। और बेटा जब प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाए एटम के अंदर तो कौन सी चार्ज आ जाती है? बेटा पॉजिटिव। तो ये बेसिक टर्म्स आपको याद करनी है। तो अभी आपको मैं ऐसे कह सकता हूं कि नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आए। आपने ये बेसिक रूल्स में पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.11 10^-31 kg, ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, समझ गया।
जब इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो मास है तो ये पार्टिकल है। तो अगर किसी एटम के पास, मैं आपको फील देना चाहता हूं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो आप क्या समझ रहे हैं, इसका मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ये चार्ज कौन सी आ गई? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे। एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ इसका मास इंक्रीज हुआ, इस एटम का मास इंक्रीज हुआ। तो नेगेटिव चार्ज भी उस एटम का मास बढ़ जाता है और पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसका मास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद आती है ये सिंपल इसकी डेफिनेशन, और अगर इसकी अच्छी और डेफिनेशन में बताऊं तो बेटा अगर इस चीज पर चार्ज नहीं है तो ये चार्ज लेस है, इस पर चार्ज नहीं है। अगर आपने किसी भी तरीके से इस पर चार्ज पैदा की, चार्ज को पैदा करने के लिए तीन तरीके होते हैं, वो उनको आप ऐसे, नंबर वन, चार्ज को आप कंडक्शन से भी, कंडक्शन, तीन मेथड है चार्ज पैदा करने के लिए किसी सरफेस पर। इस सरफेस पर तीन तरीकों से आप चार्ज पैदा कर सकते हैं, नंबर वन कंडक्शन, नंबर टू इंडक्शन, नंबर थ्री फ्रिक्शन। तीन तरीकों से चार्ज पैदा कर सकते हैं। चले इनको मैं डिफाइन बाद में करता हूँ, थोड़ी और सी बात, अगर इस चीज पर चार्ज आ जाए तो फिर क्या होगा? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। जब इस चीज पर चार्ज आ जाएगी, इस मटेरियल पर चार्ज आ जाएगी तो फिर क्या करेगी? अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल उसके करीब लाएंगे ना तो उसको फोर्स लगाएगी, या अट्रैक्शन वाली या रिपल्शन वाली। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जब वो किसी सरफेस पर आ जाती है ना वो दूसरे चार्ज मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। जरा फील लें, देखिए इधर मैं सिंपल इस तरीके को मैं डिफाइन कर रहा हूं। देखिए आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करती है, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को, इसको हम लॉ ऑफ चार्जेस कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को और पॉजिटिव नेगेटिव को, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। ये लॉ ऑफ चार्जेस जो है, एक साइंटिस्ट थे ड्यूफे, उसने दिया था, ड्यूफे ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने लॉ ऑफ चार्जेस दिया था। तो ये मैंने एक लॉ ऑफ चार्जेस दिया है, देखिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को बेटा क्या करती है? रिपेल, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट। अपोजिट चार्जेस, यानी कि इनको ऐसे कह सकते हैं लाइक चार्जेस क्या करती है? लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसी, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक चार्जेस रिपेल, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट, या उसको आप ऐसे बोल सकते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या करती हैं दूसरे को? अनलाइक चार्जेस रिपेल, ये इसको लॉ ऑफ चार्जेस कहते हैं। ये मैं नीचे लिख रहा हूं उनके लिए कि ये बेटा मैंने क्या डिफाइन किया, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ चार्जेस क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विद ईच अदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बता रहा था कि भाई ये लॉ ऑफ चार्जेस है, अगर चार्ज की और बहुत अच्छी डेफिनेशन ये है कि चार्ज क्या होती है, ये डेफिनेशन लिखे तो और अच्छी बात है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ये प्रॉपर्टी है मटीरियल की, ठीक है, ये मटीरियल के पे ही आती है। मटीरियल का मतलब क्या है? ये हर उस चीज पर आती है जिस पर मास हो। अगर किसी चीज पर मास नहीं है तो उस पर चार्ज नहीं आएगी। मासलेस और चार्जलेस, मासलेस और चार्जलेस, मासलेस हमेशा चार्जलेस होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अगर किसी चीज पर मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगी। फोटॉन्स आपने देखे होंगे, आपने लाइट देखी है, आपने बहुत सारे ईएम वेव्स की स्टडी की होगी बेटा, तो उसमें आपने क्या सीखा है कि मास लेस और चार्ज लेस, किसी चीज पर मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी नहीं होती है। तो सिंपल वन इज दैट, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटीरियल की, मटीरियल के पास मास तो होता है ना। हाँ सर इतना पता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच, जिसके जरिए ये क्या करती है, इट अट्रैक्ट आर रिपेल एन अदर चार्ज पार्टिकल।
या बस ऐसे बागिचिट अट्रैक्ट आर रिपेल, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसके जरिए ये दूसरी चार्ज वाली चीज को या अट्रैक्ट करेगी या रिपेल। तो आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन या आप किसी से पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज का काम क्या है। चार्ज का ये काम है कि ये जब इस पर चार्ज आ जाएगी तो ये दूसरी चार्ज वाली चीज को या अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। तो अभी हम और नेक्स्ट पॉइंट छोटी छोटी पॉइंट्स में बताता जा रहा हूं, या अपनी कॉपी उठाकर पेन से नोटिस करते जाए बेटा। चार्ज के लिए एक और पॉइंट, चार्ज को जो चार्ज का जो यूनिट है वो कौन सा है, चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का यूनिट है कूलम, उसकी सैंपल होती है सी। चार्ज का यूनिट है कूलम। नेक्स्ट चार्ज का जो यूनिट है ESU, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। आप लिख सकते हैं चार्ज का दूसरा यूनिट है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिकल यूनिट। और नेक्स्ट है बेटा फराडे, ये तीनों के तीनों चार्ज के यूनिट हैं। फराड कोई ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, फराड यूनिट है कैपेसिटेंस का। फराडे, फराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट है फराडे, चार्ज का यूनिट है फराड। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर लेते हैं, एमसीक्यू आता है यूनिट ऑफ चार्ज इज, अगर ऑप्शन में नीचे फराड भी हो और फराडे भी हो तो आप फराडे को टिक करना, फराडे चार्ज का यूनिट है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज को जो हम मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, किसी भी चीज पर चार्ज है तो कितनी है उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमीटर। ये चार्ज को मेजर करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं, कौन सी, इलेक्ट्रोमीटर। और चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस है जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट का मतलब चार्ज उस पर आई है या नहीं आई है ये बताता है। ये आपको ये नहीं बताएगा 10 कूलम 5 कूलम ऐसे नहीं, चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से। अगर किसी पर 5 कूलम है 10 कूलम है वो कैसे पता लगता है, इलेक्ट्रोमीटर से, या इलेक्ट्रोस्कोप बोले या इलेक्ट्रोमीटर बोले, बोथ आर सेम थिंग। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आती है डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब उस पर मालूम करना कि चार्ज कितनी उस पर, सॉरी चार्ज उस पर आई है या नहीं आई है, वो किससे पता लगता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक डिवाइस है जिससे हम चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद आती है कंडक्शन इंडक्शन फ्रिक्शन, इनको हम कहते हैं कि किसी भी सरफेस पर बेटा जो चार्ज आती है वो इन तीन तरीकों से आती है। कंडक्शन, कंडक्शन किसे कहते हैं, ऐसा मेथड जिसमें हम सरफेस को कांटेक्ट में, अगर ये देखें ये एक सरफेस था, इस पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसके साथ करीबी एक और सरफेस रख दिया, अगर इस पर कोई चार्ज आ जाए, दो सरफेसेस को मिलाने से, दो सरफेसेस को मिलाने से, ऐसे मिलाया, अगर ये चार्ज था ये चार्ज नहीं था, आप इन दोनों को मिलाया, मिलाने से इस पर चार्ज आ जाए, ये तो पहले ही चार्ज था ना, इस पर चार्ज थी इस पर नहीं थी, इन दोनों को मिलाया, अगर इस पर चार्ज आ जाए मिलाने से तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन। कोई पूछे कंडक्शन क्या है, सर इट इज अ मेथड, ये ऐसा मेथड है जिसमें हम चार्ज पैदा करते हैं कांटेक्ट में, जब दो सरफेसेस मिलते हैं ना फिर तो चार्ज पैदा होती है, उसको हम कहते हैं कंडक्शन। फिर आता है इंडक्शन, सर ये भी बताओ इंडक्शन क्या होता है, इसको हम कहते हैं विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट का मतलब होता है जब एक सरफेस पर आप दूसरे सरफेस पर चार्ज क्रिएट करें, ये एक सरफेस है इस पर बहुत सारी चार्जेस हैं बहुत सारी, और ये एक सरफेस दूर ही पड़ा था, इस पर चार्ज नहीं थी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे, और इस पर चार्ज आ गई विदाउट कांटेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट बेटा बहुत ही सिंपल है, 6-7 क्लास में लिखा हुआ है, मैं इधर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो सिंपल सी चीज ये नोटिस कर लिए कि इंडक्शन टाइम है थोड़ा सा बेसिक है, बहुत स्लो, बहुत और छोटी सी चीज हो जाएगी। इंडक्शन, इंडक्शन किसे कहते हैं, वेरी सिंपल, ऐसा मेथड जिसमें चार्ज पैदा करें हम किसी सरफेस पर विदाउट कांटेक्ट, ये बेटा याद करना है। अगली पॉइंट फ्रिक्शन, अच्छा फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ऐसा मेथड जिसमें हम चार्ज करें रबिंग के जरिए। इसमें बच्चों क्या है, इसमें सर क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंक है, किस बोर्ड के अंदर इंक डली हुई है अंदर, तो ये कैसे
ये क्या कर रहे हैं सर, ये मैं लिख रहा हूं और ये इस इंक इस बोर्ड में क्या हो गई, स्टिक हो गई, इसमें स्टिक हो गई, ये क्यों नहीं लेटर्स गिर रहे, क्योंकि सिमाल चार्ज पैदा हो गई। सर इधर चार्ज है जी, ये आपका रूम पूरा भरा पड़ा है चार्जेस से। अच्छा अच्छा सर, कैसे ये सिमाल चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है जब दो सर्फेस रब करते हैं, रबिंग की वजह से। फ्रिक्शन में कोई पूछे फ्रिक्शन कैसे होती है, जब दो सर्फेसिस को हम रब करें, रब करने से चार्ज पैदा होते, कौन करते हेयर्स को, ओहो गुड नाइस लुकिंग, ये हेयर्स को आप रब करते हैं तो एक ना चार्ज आ जाती है उस कॉम पर, आप इसे पेज को स्टिक हो जाती है। आज ही जाकर रूम में करें अपने प्रैक्टिकल, पेज इधर रखें, हेयर्स को कॉम करें, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, मैं तो अच्छा लग रहा हूँ। ये आपने उधर क्या रखा, एक कॉम रखकर आप देखें, जब रबिंग करते हैं तो सिमाल सी चार्ज आ जाती है उस कॉम पर, ये ऐसे पेज को स्टिक करती है। तो ये जो मेथड है किसी चीज को सरफेस को रब करने से जो पैदा हो जाए, इसको आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फिर से अगेन ऐसा मेथड जिसमें हम चार्ज को पैदा करें, किसके जरिए, रबिंग के जरिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे लेटर्स किसकी वजह से इधर स्टिक हैं, ये इसी वजह से हैं क्योंकि सिमाल चार्ज इस बोर्ड और इसके बीच में क्रिएट हो गई है, तभी ये नीचे नहीं गिर रहे, सिमाल चार्ज की वजह से। ये कलर क्यों इधर रुका हुआ है वॉल पर है, ये भी चार्जेस की वजह से स्टिक हो गया है। बैलून रब करते हैं, बैलून अपने हेयर से रब करो, हैप्पी बर्थडे टू यू, आपने बैलून आपने रख दिया किस पर, दीवार में, वो स्टिक हो जाता है बेटा। ये क्यों हो जाता है, ये इसीलिए हो जाता है कि सिमाल रबिंग के लिए टूट जाती है बेटा। वेरी सिंपल। और कोई चार्जेस, इधर बहुत सारी चार्जेस हैं, ये इधर पूरी यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है, बहुत सारी चार्जेस। ये हमारे यहाँ सर, हमें तो टीचर्स ये पढ़ाते हैं, चार्ज उसे कहते हैं जब हम बोर्ड में ना स्विच के अंदर हाथ डालते हैं, हो मर गए, इसे चार्ज कहते हैं। ये भी चार्ज तो है, मगर ये भी बहुत सारी चार्जेस पड़ी हुई है इधर। तो चार्जेस की एग्जिस्टेंस बहुत सारी हर जगह पर मौजूद है बेटा। तो ये सिंपल चार्ज को तीन तरीकों से पैदा कर सकते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। कंडक्शन किसे कहते हैं, कंडक्शन उस मेथड को कहते हैं जिसमें हम चार्ज को पैदा करें दो सरफेसेस को मिलाकर। दूसरा इंडक्शन, ऐसा मेथड जिसमें हम चार्ज को पैदा करें किसके जरिए, विदाउट कॉन्टेक्ट। एंड थर्ड वन है जब हम चार्ज को पैदा करें रबिंग के जरिए दो सरफेसेस को। आपने ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, ऐसे रब करते हैं या आप चलते हैं, और भी एग्जिस्टेंस बता दूं चार्ज कहां मौजूद है आपकी बॉडी पर भी कभी कभी। देखिए आप देखें, आप चलते हैं, लेट सपोज आप एयर के अंदर ऐसे चल रहे हैं, न्यू कपड़े आपने सिर्फ की क्लास पहने हुए थे, और ऐसे जब चलते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी पर कभी कभी आपके कपड़े में स्टिक हो जाते हैं। ऐसे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो आप फील करते हैं, ये कपड़े आपकी बॉडी से टच हो जाते हैं, उन पर से चार्ज आ जाती है। इसी वजह से ये भी एक मेथड है जिसकी वजह से आप चार्ज डिफरेंट तरीकों से पैदा कर सकते हैं। मैं कितने एग्जांपल दूं, बस इतना सा फील समझ लें कि बहुत सारी जगहों पर चार्ज एग्जिस्ट करती है। चार्ज के मैंने यूनिट बताया है कूलम, एक ईएसयू, एक फैराडे। अगर आप इसमें पॉइंट आप नोटिस करना चाहते हैं तो वन जो है आपका ऐसे कह सकते हैं कि भाई वन जो फैराडे होता है, वन फैराडे वो बेटा बराबर होता है इतने इतने कूलम के, ठीक है, 96,485 कूलम से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वन फराडे में, बहुत सारे टीचर केमिस्ट्री वाले तो इसी पढ़ाते हैं, वन फराडे इज इक्वल टू 96,485 कूलम, वो शायद तक ढूंढते हैं। तो सिंपल ये बताओ डजंट मैटर, ये इसको राउंड ऑफ में ये करते हैं, असल में ये है तो आप ऊपर वाला हमारा ही सही है, ठीक है। वन फराडे में 96,485 कूलम्स होते हैं, और बेटा वन ईएसयू में, वन ईएसयू में 3×10⁻¹ कूलम होते हैं। तो ये चीज याद रखें, सबसे बड़ा चार्ज का इन तीनों में से यूनिट कौन सा बड़ा है, कूलम है, ईएसयू है, फराडे, तो सबसे बड़ा चार्ज का यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट यूज जो करेंगे हम इनसे, फराडे बड़ा है ईएसयू से और ईएसयू बड़ा है कूलम से। तो ये चीज याद रखनी है,
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पर फर्स्ट लेक्चर था। अदर वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूंगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। और ये चीज याद रखें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, धमाका फिजिक्स।